मशीन को आप कोई भी रोड एरिया है, खड्डे वाला एरिया है, खराब विस्तार है, कहीं पे भी ले जा सकते हो दोस्तों, मूवमेंट कर सकते हो कहीं पे भी। आगे दो मूवेबल व्हील दिए और यहाँ पे दो टायर वाले बड़े व्हील दिए गए दोस्तों, आप मूवमेंट करने के लिए कहीं पे भी इसको गोल घुमा सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, ऐसे आप हिला सकते हैं दोस्तों। आप देखिए पूरी मशीन को, यहाँ पे हमारे पास एक ड्रॉवर है, इसके अंदर आप पैसा है, थैली है, बैग है या कुछ भी सामान रख सकते हैं। ये मशीन का यहाँ पे ड्रॉवर की भी दिया गया, ये लॉकेबल है, आप लॉक लगा के भी इसको जा सकते हो। यहाँ पे बाहर आ रहा है पूरा टैंक में से, आप देखिए 40 से 50 ग्लास आप बना सकते हो एक लॉट के अंदर, तो रोजाना 3 से 5 हजार रुपए का प्रॉफिट कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस। दोस्तों आप देख सकते हैं 2023 का आधुनिक ऑटोमेटिक पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन, बिना बिजली पे, बिना पावर पे, रोड के ऊपर आप खड़े रह के दोस्तों रोजाना 3 से 5 हजार रुपए का प्रॉफिट कर सकते हो। ये मशीन को चलाने के लिए दोस्तों 220-240 वोल्ट का कोई पावर का रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों, प्लस पूरी वन यूनिट मशीन है, कोई भी चीज अलग लगाने का जरूरत नहीं है। पूरी मशीन एलपीजी गैस से मशीन ऑपरेट होती है दोस्तों, लेकिन गैस का बोतल भी आपको कहीं पे अलग लगाने का जरूरत नहीं है, मशीन के अंदर ही टोटली इतने सेटअप के अंदर टोटली चीज इनबिल्ट हो गया है। प्लस मशीन को आप कोई भी रोड एरिया है, खड्डे वाला एरिया है, खराब विस्तार है, कहीं पे भी ले जा सकते हो दोस्तों, मूवमेंट कर सकते हो कहीं पे भी। आगे दो मूवेबल व्हील दिए और यहाँ पे दो टायर वाले बड़े व्हील दिए गए दोस्तों, आप मूवमेंट करने के लिए कहीं पे भी इसको गोल घुमा सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, ऐसे आप हिला सकते हैं दोस्तों। आप देखिए पूरी मशीन को, 2023 का सबसे लेटेस्ट कॉम्पैक्ट कोर 100% सक्सेसफुल मॉडल है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, हम पूरी मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं, पूरी मशीन को घुमा रहे हैं यहाँ पे, और ये बिजनेस करके दोस्तों आप रोजाना 3,000 रुपए से 5,000 रुपए तक का बिजनेस कर सकते हो, रोड के ऊपर चला के दोस्तों। ये मशीन लगाने के लिए दुकान का, कोई शॉप का, कोई एरिया का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने घर से दोस्तों 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर 3 किलोमीटर दूर जाके कोई मेला है, शादी फंक्शन है, कहीं पे भी ले जाके बिजनेस कर सकते हो। इस तरह का एक कप बनाने का खर्चा दोस्तों आपको 1 रुपया या 1 रुपए 20 पैसे का पड़ता है घर में, जिसके अंदर एलपीजी गैस आ गया, कप आ गया, पॉपकॉर्न आ गया, इसका ऑयल आ गया, कुछ भी आपने इंटीग्रेंस मिलाया, एक कप बनाने का खर्चा आपको 1 रुपया या 1 रुपया 20 पैसे का गिरेगा कप के साथ में। बाजार में आसानी से मिनिमम 5 रुपए में सेल कर सकते हो दोस्तों, एक कप आप बाजार में 5 रुपए में मिनिमम में सेल कर सकते हो। मशीन में मैं आपको दोस्तों डिटेल बता दूं कि मशीन में हमने क्या क्या सिस्टम, क्या क्या फंक्शन दिए गए इसके अंदर। पूरी मशीन ऑटोमेटिक है आप देख सकते हो, और यहाँ पे लाइटिंग सिस्टम दिया है। लाइट को चलाने के लिए एक छोटा बैटरी का रिक्वायरमेंट रहता है, जो मशीन के अंदर ही इनबिल्ट लगा रहता है दोस्तों, मशीन के अंदर ये वो बैटरी लगा रहता है, आप देख सकते हैं पूरी मशीन को। यहाँ पे हमने एक डोर दिया है दोस्तों, जहाँ पे आप डोर खोलेंगे तो इसके अंदर अपना एलपीजी सिलेंडर है, छोटा एलपीजी का बोतल एक लगाया हुआ है, प्लस एक बैटरी लगाया हुआ है, और प्लस आप जो सामान ले जाते हो, जो कप है, जो उसके दाने हैं, जो ऑयल है, वो सामान भी आप इसके अंदर स्टोर करके इसको लॉक कर सकते हैं दोस्तों। प्लस वर्किंग टाइम के लिए, वर्किंग आपका जब बिजनेस है दोस्तों, तब यहाँ पे हमने 2 ड्रॉवर दिए गए। एक ड्रॉवर के अंदर आप इसके अंदर यहाँ पे इस तरह का मसाला और सब रख सकते हैं, थोड़ा जूम करके बताइए, ऑयल है हमारे पास, नमक है, हल्दी है, और ये दाने है, ये इजी टू इंस्टेंट डालने के लिए चीज रख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ड्रॉवर है, इसके अंदर आप पैसा है, थैली है, बैग है या कुछ भी सामान रख सकते हैं। ये मशीन का यहाँ पे ड्रॉवर की भी दिया गया, ये लॉकेबल है, आप लॉक लगा के भी इसको जा सकते हो या लॉक भी रख सकते हो इसके अंदर दोस्तों। मशीन में आपको दोस्तों ऑपरेट करके चला के दिखाता हूँ कि कैसे मशीन आपकी ऑपरेट होगी और कैसे आसानी से आप मशीन को चला सकते हैं। यहाँ पे हमारे को इसका जलाने के लिए लाइटर पड़ा है, अभी हम मशीन को स्टार्टअप करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे बर्नर का लीवर दिया गया, कितना स्पीड से आपको इसका बर्नर को जलाना है, स्पीड हाई लो करना है, गैस का प्रेशर कम ज्यादा करना है, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। ये हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे इसको जलाएंगे, आप देख सकते हैं, देखिए स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। ये ग्लास हम निकाल देंगे, प्लास्टिक का है, जो मशीन ऑलरेडी यहाँ पे बर्नर स्टार्ट हो चुका है, चूल्हा इसका जो चार्ज स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे एक मोटर का स्विच दिया गया, जो आप यहाँ पे अंदर इंटीग्रेंस डालते हो उसको मिलाने के लिए यहाँ पे स्विच दिया गया, ये स्विच दबाने से इसका इंटीग्रेंस स्टार्ट हो जाएगा। देखिए अंदर का मोटर घूमना चालू हो गया है, दिखाइए हमारे व्यूअर्स को,
अब देखिए मोटर घूम रहा है, अभी हम इसके अंदर इंटीग्रेंट डालेंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ड्रॉवर में पड़ा हुआ है थोड़ा ऑयल डालेंगे, अगर ऑयल नहीं बनाना है बटर से बनाना है तो आप बटर डाल सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा इसमें डालेंगे हल्दी, कलर को चेंज करने के लिए थोड़ा हल्दी हमारे पास है तो हल्दी डालेंगे इसमें, आप देखिए। उसके बाद थोड़ा डालेंगे नमक, सॉल्ट, ये सॉल्ट पड़ा है हमारे पास, ये सब चीज डाल दिया हमने। उसके बाद हमारे पास ये दाने पड़े हैं, हम इसके अंदर दाने डालेंगे इसमें, आप देखिए। उस साइड से बताइए वो ग्लास में से, आप देखिए। अगर आपका बर्नर इसका हीटिंग है गर्म है, अगर आप कंटिन्यूअसली लोट निकालते रहते हो दोस्तों, तो अराउंडली 30 से 40 सेकेंड के अंदर आपका लोट बनके तैयार हो जाएगा दोस्तों इसके अंदर से। और नया है तो अराउंडली आपको 1.5 मिनट तक इसको वेट करना है, 1.5 मिनट के बाद इसका लोट बनके तैयार निकलेगा इसमें से। अभी हम इसको पकने दे रहे हैं, जो पॉपकॉर्न के दाने डाले इसको अभी पकने देने हैं इसको दोस्त। इस ढक्कन को आपको ढकना है तो आप इसको ये ढक्कन को बंद कर सकते हैं। एकदम कॉम्पैक्ट और स्मॉलेस्ट साइज की मशीन है दोस्तों, प्लस इसका हाई प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन हैवी है। अराउंडली 30-40 सेकेंड के अंदर एक टब पूरा, और एक टब के पूरा के जो ग्लास रहते हैं तकरीबन 40 से 50 ग्लास आप बना सकते हो एक लोट के अंदर। अराउंडली 30 से 40 सेकेंड के अंदर इसे 30 से 40 ग्लास आप मैक कर सकते हो, बना सकते हो दोस्तों। प्लस यहाँ पे आप इसको स्टोर भी कर सकते हो, ये पूरा टैंक दिया गया है, इसको स्टोर भी कर सकते हो। और लाइट यहाँ पे जल रहा है उसका स्विच भी हमने दिया गया है, जिसकी वजह से आप इसको लाइट स्टार्ट और बंद कर सकते हो। इसको बंद भी करना है तो बंद भी हो जाएगा, इसको आपको स्टार्ट करना है तो स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ही आपको मूवमेंट करना है ये हिसाब से अपने क्रिएट कर सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो उसको दोस्तों। एलपीजी लाइन के लिए दोस्तों, एलपीजी जो कनेक्शन है उसका लाइन हमने यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, और बैटरी का कनेक्शन हमने यहाँ पे दिया गया है, दोनों बैटरी का कनेक्शन है। अगर ये मशीन को आपको बैटरी की जगह इसका जो मोटर घूम रहा है और लाइट घूम रहा है उसको अगर आपको 220 वोल्ट से चलाना है तो इसका भी हमने एक चार्जर दिया गया है। ये चार्जर से दोस्तों आप 220 का पावर देके भी इसको चला सकते हो, लाइट भी स्टार्ट कर सकते हो, मोटर भी स्टार्ट कर सकते हो। इसका भी यहाँ पे कनेक्शन दिया गया है, थोड़ा बताइए कनेक्शन। अब देखिए ये कनेक्शन दिया गया है यहाँ पे, जिसमें आप एक कनेक्शन लगा के इसको बैटरी से डायरेक्ट चार्जिंग से भी इसको चला सकते हो दोस्तों। यहाँ पे इसका की दिया गया है, चाबी से आप इसको दरवाजे को लॉक कर सकते हो, बंद चालू दोनों में लॉकिंग सिस्टम रहेगा इसके अंदर। अभी हमें ड्रॉवर को बंद कर देंगे, और यहाँ पे जो पॉपकॉर्न पक रहा है इसकी आवाज ऑलरेडी आ रही है पकने की, आप देख सकते हैं राउंडली। वीडियो को कोई कट नहीं किया जा रहा है दोस्तों, वीडियो लाइव टू लाइव आपको दिखाया जा रहा है, इसलिए आपको मालूम होगा कितने टाइमिंग के अंदर अगर नया मशीन है एक बार गर्म नहीं हुआ इसका चंदा तो कितने समय के अंदर आपका पॉपकॉर्न बन के तैयार हो रहा है दोस्तों। आप देखिए पकने का आवाज आ रहा है इसके अंदर, धीरे धीरे यहाँ से बाउल खुल के बाहर आना चालू हो जाएगा आपका पॉपकॉर्न। नीचे से आप देख सकते हो, और उस साइड से दिखाए थोड़ा, दूसरे कांच से दिखाए तो थोड़ा प्रॉपर दिखे हमारे व्यूवर्स को। आप देखिए यहाँ से प्रॉपरली इसका जो, यहाँ से जो इसका एयर निकल रहा है, आग निकल रही है, ये पूरा टैंक को यहाँ पे फायर कर रही है इसको, देखिए इसको पूरा हीट कर रही है, पूरा गर्म कर रही है इसको, देखिए। आइए इस साइड से दिखाइए थोड़ा, पक्के बंचे रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे बाहर आ रहा है पूरा टैंक में से, आप देखिए पूरा पॉपकॉर्न बन जाएगा तब ऑटोमेटिकली अंदर से उबलना चालू हो जाएगा और बाहर आना चालू हो जाएगा अपना टैंक में से, आप देखिए। अब देखिए पूरा भर चुका है हमारा पॉपकॉर्न, यहाँ पे रेडी है। अभी हम इसको एयर को, गैस को बंद कर देंगे, गैस बंद हो चुका है एलपीजी, और यहाँ इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, पूरा निकाल लेंगे। आप देखिए बेहतरीन क्वालिटी का पॉपकॉर्न बनके तैयार हो चुका है हमारा, आप देखिए ये पूरा टैंक खाली हो चुका है हमारा। चीज वाला बनाओ, ऑयल वाला बनाओ, बटर वाला बनाओ, जो भी रेसिपी के हिसाब से आपको क्रिएट करना है पॉपकॉर्न को, इसका क्वालिटी देखिए दोस्तों। पॉपकॉर्न का जो क्वालिटी, जो आप बड़े बड़े मॉल और थिएटर में जो खाते हो क्वालिटी, इसके अंदर मसाला डालना है, चाट मसाला डालना है, कुछ भी आप ऊपर से छिड़क के कस्टमर को दे सकते हो। बेहतरीन क्वालिटी का पॉपकॉर्न बनके रेडी हो चुका है दोस्तों, आप देखिए। प्लस मशीन का जो साइज है, कितना साइज का कॉम्पैक्ट मशीन है वो साइज हम आपको बताएंगे, थोड़ा हमारे पास टैप है, टैप से हम आपको नाप के बताएंगे इसका साइज। मशीन की जो हाइट है, जमीन से लेके ऊपर तक हाइट है, ये मशीन की साइज आप देख सकते हैं कितना हाइट है।
अराउंडली 65 इंच का हाइट है, यहाँ पे 65 इंच दिखा रहा है हाइट में, आप देखिए। आगे का जो फ्रंट है, ये फ्रंट इसका रहेगा 22 इंच का फ्रंट है, और इसका डिप्ट रहेगा जो वो अराउंडली आपको रहेगा 16 इंच का डिप्ट है। ये साइज देख के आप कवरिंग कर सकते हो कि आप इसको कैरी ऑन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एकदम कॉम्पैक्ट और स्मॉलेस्ट साइज की पोर्टेबल 2023 की आधुनिक मशीन हमने क्रिएट की गई है दोस्तों। तो इस तरह की मशीन की ज्यादा डिटेल, ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट करके हर एक डिटेल जानकारी फंक्शन ले सकते हो। मशीन का प्राइस क्या है, मशीन में डिस्काउंट क्या है, कैसे मिलती है, कितने टाइम में रेडी होती है, ऑर्डर देने के बाद कैसे मशीन मिलती है, हर एक जानकारी हमारी सेल्स टीम आपको गाइड करेगी दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉल्फिन अप्लायंस।